हेलो स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर हमारा सब्जेक्ट है राजनीति विज्ञान शिक्षण। कल हमने पढ़ा था राजनीति विज्ञान शिक्षण के जो पाठ्यक्रम निर्माण होता है उसके विशिष्ट सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के जो सोपान होंगे, पाठ्यक्रम निर्माण जो करते हैं तो उसके पहले क्या क्या उसके चरण हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो अपन यहाँ पर जो राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के जो सोपान है उसका अपन अध्ययन करने से पहले इसके जो कुछ जो नियम है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया एक व्यापक और सतत प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम का निर्माण किसी भी एक बिंदु पर आधारित नहीं होता, उसमें अनेक प्रकार के तथ्यों का समावेश होगा। इन तथ्यों का संबंध संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था से होगा। तो अपन जो संपूर्ण जो शैक्षिक व्यवस्था विद्यालय का जो वातावरण है उनमें इन तथ्यों का अपन समावेश करेंगे। इस शैक्षिक व्यवस्था का उद्देश्य लक्ष्य अधिगम अनुभव और विषय वस्तु का चयन करना आदि जो योगदान होता है। इसके समझने के लिए अपन निम्नलिखित जो पाठ्यक्रम निर्माण के जो निम्नलिखित सोपान है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसका जो सोपान होगा लक्ष्य या उद्देश्य से संबंधित जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं उससे अपन का जो लक्ष्य है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे पहले उसका पाठ्यक्रम में लक्ष्य निर्धारित करेंगे। दूसरा इसका होगा कि अधिगम अनुभवों का चयन, जो अधिगम अपन जो शिक्षण कार्यक्रम करवा रहे हैं वो अनुभव आधारित होना चाहिए, तभी बच्चा है उसको सीखने में रुचि रहेगा। यदि अपन उसके मनोवैज्ञानिकता को उसकी मन की आवश्यकता या उनकी रुचि को अपन नहीं पढ़ेंगे तो उसमें वो सब अपनी सहभागिता ना देंगे ना रुचि लेंगे तो वो क्रिया जो शिक्षण क्रिया है वो निर्थक रहेगी। तो शिक्षण कार्य करने से पहले उसकी रुचि का ध्यान होना चाहिए। तीसरा है विषय वस्तु का चयन, विषय वस्तु भी ऐसी होनी चाहिए बालक को पूर्णतः उसकी आयु के अनुसार उसकी योग्यता के अनुसार विषय वस्तु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्ञान उस पर थोप दे उस पर ज्ञान थोपा नहीं जा सकता, बल्कि उसकी जो आयु होगी उसके अनुसार उसी के अनुसार अपन पढ़ेंगे। फिर है अधिगम अनुभव एक विषय वस्तु का अंतर दोनों के बीच में जो समन्वय स्थापित किस प्रकार से किया जाए उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और अंत में पढ़ेंगे कि जो अपन पढ़ा रहे हैं पाठ्यक्रम निर्माण जो अपन किया है उसके अनुसार उसका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसके जो जो ये पाठ्यक्रम निर्माण के जो सोपान है इसमें अपन पांच प्रकार के पढ़ेंगे जिनके अलग अलग उद्देश्य जैसे लक्ष्य व उद्देश्य अलग अलग होंगे। इसका अनुभव का चयन किस प्रकार से होगा, विषय वस्तु का चयन किस प्रकार से होगा, इनकी अपन अलग 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 जो बिंदु होंगे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लक्ष्य व उद्देश्य के बारे में। लक्ष्य व उद्देश्य बारे में शिक्षण अधिगम में लक्ष्य व उद्देश्य का किस प्रकार से महत्व है, कौन कौन से लक्ष्य व उद्देश्य को निर्धारित करके पाठ्यक्रम निर्माण के जो सोपान है उनको बनाया जाएगा। अपन ने पढ़ा लक्ष्य व उद्देश्य के जो पहला है तो लक्ष्य व उद्देश्य बालकों का पहले से निर्धारण किया जाता है क्योंकि ये जो पाठ्यक्रम निर्माण है उसका प्रथम सोपान होता है। क्योंकि सर्वप्रथम किसी भी लक्ष्य व उद्देश्य की प्राप्ति है तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों क्रियाओं के संबंध में पाठ्यक्रम का रूप जानते हैं। जैसे अपन एक जैसे उदाहरण के रूप में बताऊं जैसे एक बालक होता है अगर शारीरिक विकास का उसका लक्ष्य निर्धारित किया होता है तो लक्ष्य की प्राप्ति है तो उसे योग एवं व्यायाम की क्रियाओं को क्रमबद्ध करवाना चाहिए, तभी उसका जो शारीरिक विकास होगा उसका शारीरिक रूप से सुव्यवस्थित गठन होगा। तो उसका लक्ष्य जो लक्ष्य का अपने निर्धारित के लिए उसका उद्देश्य ये होगा कि इसके लिए अपना उसको योग करवाएंगे नित्य व्यायाम कराएंगे तभी वो एक शारीरिक रूप से उसका सही विकास है शरीर का संतुलन सही तरीके से चलेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विषय का पाठ्यक्रम उसके लक्ष्य व उद्देश्य को निर्धारित एवं विकसित होता है। लक्ष्य उद्देश्य पाठ्यक्रम निर्माण के जो प्रथम सोपान है लक्ष्य उद्देश्य की प्रकृति के आधार पर उसकी पूर्ति हेतु पाठ्यक्रम का स्वरूप निश्चित होता है। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम का स्वरूप व्यापक होता जा रहा है, इसके लिए मूल के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की व्यापकता नींव की गई है। वर्तमान में जो बालक का जो सर्वांगीण विकास है उसके लिए जो निम्नलिखित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित लक्ष्य व उद्देश्यों को समाहित किया गया है। सबसे पहले सामाजिक उद्देश्य एवं लक्ष्य का निर्धारण, सामाजिक उद्देश्य उस पाठ्यक्रम के उद्देश्य को मान्यता देता है जिसमें बालक में सामाजिक विकास की भावना नीतों व समाज के प्रति अपना योगदान दे सके, समाज में
लक्ष्य, दार्शनिक उद्देश्य एवं लक्ष्य, उद्देश्य एवं लक्ष्य। दार्शनिकता के प्रति उसने बालक में विभिन्न विचारों का, जैसे आदर्शवादी, प्रकृतिवादी व जो विभिन्न प्रकार के जो पर्यटनवादी है, उस विचारधारा का समावेश होना चाहिए। वो किसी के प्रति ना बैर रखे, बल्कि एक अपनी सोच में दार्शनिकता के आधार पर एक मनोवैज्ञानिक तरीके से वो कार्य करे, तो ये तभी पूर्ति उसकी हो सकती है। जब अनेक प्रकार के जो विचारधाराएं, अनेक प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक है उनका उसमें समावेश हो, उनका वो प्रयोग कर सके। फिर है तीसरा, सांस्कृतिक उद्देश्य एवं लक्ष्य, सांस्कृतिक उद्देश्य एवं लक्ष्य तीसरा होगा। सांस्कृतिक उद्देश्य एवं लक्ष्य के अंतर्गत सांस्कृतिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य व लक्ष्य, सांस्कृतिक उद्देश्य व लक्ष्य के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि प्रत्येक राष्ट्र एवं समाज को अपनी संस्कृति और उससे संबंधित जो परंपराएं हैं, प्रत्येक राष्ट्र यही चाहेगा कि जो अपनी संस्कृति है, जो अपनी परंपराएं हैं, वो बड़ी रहे, बनी रहे, उसका संरक्षण हो सके। तो वो ऐसी शिक्षा का सहारा लेगा जिसमें पढ़े, बालक पढ़े और अपनी संस्कृति, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर है, उसके प्रति वो अपना योगदान दे, ताकि वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी अपनी जो पुरानी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो अपनी धरोहर है, उसको बचाने में अपना योगदान दे, ताकि वो पुरानी पीढ़ी को भी इसके बारे में अवगत करा सके। फिर राष्ट्रीय उद्देश्य एवं लक्ष्य, राष्ट्रीय उद्देश्य, उद्देश्य एवं लक्ष्य। राष्ट्रीय उद्देश्य यानी कोई भी जो आज का जो बालक, छोटा बालक है, वो आने वाले राष्ट्र का जो भावी नागरिक होगा, समस्त राष्ट्र का भार उसके कंधों पर ही नियत होगा। क्योंकि देखो, बालक पढ़ाई करेगा तो राष्ट्रीय भावना से वो अपने, जैसे किसी के मन में फौजी बनने की इच्छा है, तो वो तभी बन सकेगा जब उसमें राष्ट्रीय भावना भरी बातें भरी पड़ी हो। यदि उसके मन में राष्ट्र के प्रति हित का नहीं सोचे, वो देशद्रोही बनता नहीं, तो सभी लोग ऐसे सोचेंगे तो राष्ट्र का क्या होगा। तो राष्ट्र का जो निर्माण है तो बालक के कंधों पर ही होगा, क्योंकि आज का बालक होगा वो देश का भावी नागरिक होगा, तो उसी के कंधों पर समस्त राष्ट्र का बोझ होगा। तो जो राष्ट्र की जो आदर्शता है, जो राष्ट्र की जो मान्यता है, राष्ट्र के जो नियम है, राष्ट्र के जो सिद्धांत है, उसमें भी उसका अपन पाठ्यक्रम में उसका समावेश करेंगे। तो बालक उससे अध्ययन करेंगे और उससे परिचित होंगे, का राष्ट्र के प्रति अपना क्या दायित्व है उसको निभा सकेंगे। फिर है अभिभावक के लक्ष्य और उद्देश्य, फिर है अभिभावक के लक्ष्य एवं उद्देश्य। अभिभावक से जब बालक, जब बालक की प्रथम पाठशाला तो परिवार होती है, लेकिन परिवार से जो सीखता है वो विद्यालय में आकर करेगा। तो परिवार से जो विद्यालय में आता है, तो उसके जो माता पिता होंगे उनकी भी कुछ आकांक्षाएं होती है कि बालक हमारा स्कूल जा रहा है, तो क्यों उनके मन में होता है कि बड़ा होकर ये व्यक्ति बने, बड़ा होकर ये आदमी बने। तो ये तभी हो सकता है जब उसमें विभिन्न प्रकार के जो कौशल होंगे, सृजनात्मक कौशल होंगे, पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार की जो तकनीकी शिक्षाएं होंगी उसको समावेश करेंगे। तो अभिभावक की जो आकांक्षाएं, जो अभिभावक की जो बालक के प्रति जो अपनी जो जिज्ञासा है वो पूर्ति हो सकेगी। फिर छठा, वैश्वीकरण के लक्ष्य व उद्देश्य। वैश्वीकरण इधर लिख देती हूँ, वैश्वीकरण का उद्देश्य व लक्ष्य, वैश्वीकरण का उद्देश्य व लक्ष्य। तो वैश्वीकरण एक शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति में पाठ्यक्रम के विकास को एक संपन्न करेगा। यदि वैश्विक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण, समस्त विश्व में जिस शिक्षा का सार्वभौमिकरण और पर्यावरणीय शिक्षा को विश्व स्तर पर महत्व प्रदान किया जा रहा है, तो इसके परिणाम स्वरूप भारतीय पाठ्यक्रम में भी प्राथमिक स्तर से ही बालकों के परिवेश से स्वच्छता एवं उसके महत्व को ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इसके व्यवहार स्वरूप प्रदर्शन के लिए विद्यालय में जो परिवेश की सफाई छात्रों से कराई जाती है, यानी छात्रों को विश्व में जो होने वाली जो समस्त शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में
अवगत करवाना चाहिए ताकि वो अपनी शिक्षा प्रणाली में भी उसको जोड़े, वो उससे पढ़े और अपना अधिगम स्तर ऊपर करे। वह उससे ये शिक्षा ले कि शिक्षक के प्रति व वैश्वीकरण के प्रति अपना वो अपना क्या दायित्व रख रहा है, इसके बारे में उसको अवगत होना अति आवश्यक है। आज हमने पढ़ा राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम के निर्माण के सोपानों के, जिसमें अपन 5 सोपानों का अध्ययन करेंगे, जिसमें मैंने आपको सर्वप्रथम लक्ष्य व उद्देश्य, जो प्रथम सोपान था उसमें अपन कौन कौन से लक्ष्य व उद्देश्य को निर्धारित कर रहे हैं, जिसमें अपन ने सामाजिक उद्देश्य व लक्ष्य का निर्धारण, वार्षिक उद्देश्य व लक्ष्य का निर्धारण, सांस्कृतिक उद्देश्य व लक्ष्य का निर्धारण किया, फिर राष्ट्रीय और अभिभावकों के लक्ष्य व वैश्वीकरण के जो लक्ष्य निर्धारण उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। कल अपन पढ़ेंगे अधिगम अनुभवों का जो चयन है वो किस प्रकार से किया जाए उसके बारे में। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।